हेलो स्टूडेंट्स, आज जो हम करने जा रहे हैं वो है कक्षा 12 के लिए प्रकाश की प्रकृति के लिए जो उदाहरण है 12.11 से लेके 12.13। ये हमारे RBSE हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए है। हमारा चैनल है PC स्टडी पॉइंट, फिजिक्स केमिस्ट्री स्टडी पॉइंट, जहाँ पे आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री के वीडियोज़ मिलेंगे। आपने यदि हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो शेयर करना भी नहीं भूले। हम लेते हैं हमारा पहला क्वेश्चन आज का 12.11। क्वेश्चन है 12.11, माउंट पॉल्मर में स्थित हेल स्थित दूरदर्शी का व्यास। हमें क्या दिया है? हमें दिया है दूरदर्शी का व्यास। दूरदर्शी का व्यास कितना दिया हुआ है? 5 मीटर। 600 नैनोमीटर तरंग दैर्ध्य के प्रकाश के लिए सीमांत विभेदन कोण का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है? सीमांत विभेदन कोण का। तो लेंस का व्यास दिया हुआ है 5 मीटर। तरंग दैर्ध्य, अब देखिए जो तरंग दैर्ध्य है वो 600 नैनोमीटर है, नैनोमीटर। तो पहली बात तो 600 को हमने क्या लिख दिया? 6 × 10^2, क्योंकि 100 क्या बन जाएंगे? 10^2 बन जाएंगे। और नैनोमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 10^-9 मीटर से मल्टीप्लाई कर दिया। और जब आधार समान होते हैं तो घातें जुड़ जाती है, तो 2 − 9 हम करेंगे तो कितना आएगा? -7। तो इस तरीके से ये बन जाएगा 6 × 10^-7 मीटर। अब जो विभेदन कोण का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1.22 λ/d। ये हमारे पास लेमड़ा है, ये हमारे पास व्यास है, तो हमने मान रख दिया। ये मान रखने के बाद में अब हमें क्या करना है? केवल सरल करना है। तो ये 6 को जब 1.22 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 7.32, भाग करेंगे तो ये इतना हमारे पास आ जाएगा। और मात्रक क्या लेंगे हम कोण का? रेडियन, तो ये इतना उत्तर आ जाएगा। तो सरल सा ये उदाहरण है जो कि एग्जाम में आ जाता है कई बार। 12.12 ये समझना है हमें, दो संकीर्ण छिद्रों के मध्य दूरी 1.525 मिलीमीटर है। दो संकीर्ण छिद्र हैं, दो छेद हैं बहुत बारीक बारीक, उनके बीच की दूरी 1.525 मिलीमीटर है। जो 5 × 10^-5 सेंटीमीटर तरंग दैर्ध्य वाले स्रोत के सामने रखे हुए तथा 0.400 सेंटीमीटर व्यास वाले अभिदृश्यक लेंस वाले दूरदर्शी से देखे जाते हैं। देख किससे रहे हम? दूरदर्शी से देख रहे हैं। दूरदर्शी में क्या लगा हुआ है? अभिदृश्य लेंस। अभिदृश्य लेंस का व्यास हमें दे दिया, यानी कैपिटल डी हमें दे दिया। फिर वो बोल रहा है कि दूरदर्शी से वह अधिकतम दूरी, ताकि छिद्र विभेदित हो सके, वह अधिकतम दूरी पूछ रहा है दूरदर्शी से। तो पहले तो हम चित्र बना लेते हैं। तो ये चित्र मैंने बना लिया है आपके लिए। यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है? दो संकीर्ण छिद्र, तो ये हो गए, एक छिद्र ये हो गया, एक छिद्र हो गया, इनके बीच की दूरी होगी एल। ठीक है, ये हो गया दूरदर्शी, और दूरदर्शी का व्यास हमें दिया हुआ है। तो हमसे पूछ क्या रहा है? दूरदर्शी से वह अधिकतम दूरी, यानी यह अधिकतम दूरी कितनी होगी कि वो छिद्र जो है वो विभेदित हो सके, दोनों ये छिद्र हैं वो अलग अलग दिखाई देने लग जाए, वो दूरी हमसे पूछी है। तो एल हमें दिया हुआ है 1.525 मिलीमीटर। मिलीमीटर को हम मीटर में बदलेंगे तो 10^-3 मीटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तरंग दैर्ध्य, तरंग दैर्ध्य में दी हुई है लेमड़ा 5 × 10^-5 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 10^-2 आएगा। और यहाँ पर पहले से क्या है? 10^-5, तो -2 और -5 कितने हो जाएंगे? 10^-7 हो जाएंगे, क्योंकि आधार समान होता है तो घातें जुड़ जाती है। सिंपल सी मैथमेटिक्स है। डी हमें दे दिया 0.400 सेंटीमीटर। तो इसको हम सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो ये आ जाएगा 10^-3 -2, और इसको हम लिख सकते हैं 0.4, क्योंकि ये बाद में जीरो का कोई मतलब है नहीं दशमलव के बाद में, तो 0.04 × 10^-2 मीटर हम इसको लिख सकते हैं। अब हमें निकालनी क्या है? ये दूरी डी निकालनी है। तो इसमें सूत्र क्या लग जाएगा? कोण बराबर क्या होता है? चाप बट्टा त्रिज्या। तो ये कोण है, तो सामने वाली ये तो क्या हो गई? चाप। और ये क्या हो जाएगी? जब इसको अगर हम इस दूरदर्शी को केंद्र मानकर एक वृत्त खींचेंगे तो ये क्या हो जाएगी? त्रिज्या। तो कोण हो गया हमारे पास, कोण चाप तो हो गई एल, और त्रिज्या हो गई डी। तो ये सूत्र हम लिख लेते हैं।
ये सूत्र हमने देखा होगा कि थीटा मिनिमम 1.22 लेमड़ा बटा डी होता है और ये किसके बराबर होता है, एल अपॉन डी के। तो अब बिल्कुल सिंपल हमें क्या निकालना है, हमें डी निकालना है, ये डी निकालना है स्मॉल डी, जो कि दूरदर्शी से और उन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी है। तो डी निकालने के लिए डी तो इधर आ जाएगा, ये इधर गुणा में चला जाएगा और 1.22 लेमड़ा आ जाएगा भाग में। तो इसको हम सरल करके ये मैंने यहाँ पे दिखा दिया है, डी हो जाएगा एल डी अपॉन 1.22 लेमड़ा। एल का मान दिया हुआ है, कैपिटल डी का मान दिया हुआ है, स्मॉल डी का मान दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे मीटर से, तो मीटर कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी बचेगा क्या, केवल एक मीटर बचेगा। तो डी किस में आएगा, मीटर में। अब यहाँ पर ये घात है 10^-3, 10^-2 और 10^-7। तो ये जो घात है -7, ये ऊपर आकर किसकी हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी। तो इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करके आप सिंपल सा होगा तो ये आएगा डी बराबर 10 मीटर। तीसरा एक तीसरा जो उदाहरण है कि 0.1 दूरी से पृथक दो बिंदु एक सूक्ष्म दर्शी से बस देखे जा सकते हैं, मतलब दो बिंदु हैं और उनके बीच की दूरी 0.1 mm मीटर है और वो दोनों अलग अलग बस देखे ही जा सकते हैं, पृथक यानी अलग अलग देखे जा सकते हैं। जब 6000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य का प्रकाश काम में लिया जा रहा है, तो 6000 एंगस्ट्रॉम का प्रकाश काम में लिया जा रहा है तब वो देखे ही जा सकते हैं। तो 4800 एंगस्ट्रॉम का प्रकाश काम में लिया जाए तब विभेदन सीमा क्या होगी, वो हमें बतानी है। तो ये वही वाला चित्र है, यहाँ पर सूक्ष्मदर्शी है तो सूक्ष्मदर्शी के लिए यहाँ पे हमने क्या ले लिया, एस। तो सूत्र लग जाएगा सूक्ष्मदर्शी के लिए विभेदन सीमा, एस बराबर होती है 1.22 लैम्ब्डा एफ अपॉन डी। तो जब 6000 एंगस्ट्रॉम का तरंग दैर्ध्य का प्रकाश है तो एस वन ले लेंगे 1.22 लैम्ब्डा वन एफ अपॉन डी, क्योंकि ये दूरी भी, ये दूरी एस वन हो जाएगी, ये दूरी नियत है और जो है ये एफ, एफ क्या है, फोकस दूरी, ये भी क्या है, नियत है। एस टू 1.22 लैम्ब्डा टू एफ अपॉन डी, एस वन अपॉन एस टू कर देते हैं, तो एस वन अपॉन एस टू कर देंगे तो ये अपॉन ये इसके अपॉन में आ जाएगा, तो 1.22 से 1.22 कट जाएगा, एफ से एफ कट जाएगा, डी से डी कट जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास, लैम्ब्डा वन अपॉन लैम्ब्डा टू। अब हमें निकालना क्या है, हमें एस वन तो दिया हुआ है हमें कि 0.mm दूरी की दूरी से पृथक दो बिंदुओं को हम देख ही सकते हैं तब 6000 एंगस्ट्रॉम का प्रकाश डाला जाता है तब, तो हमें एस वन दिया हुआ है, लैम्ब्डा वन भी दिया हुआ है। अब वो बोल रहा है इतना अगर एंगस्ट्रॉम का प्रकाश डाला जाए यानी लैम्ब्डा टू का प्रकाश डाला जाए तब विभेदन सीमा यानी एस टू तब क्या होगी, तो वो पूछी जा रही है। तो यहाँ पर देखिए एस टू का हमें मान निकालना है, तो एस टू का मान निकालना है तो एस टू तो इधर आएगा मल्टीप्लाई में, लैम्ब्डा टू इधर जाएगा मल्टीप्लाई में और लैम्ब्डा वन आएगा डिवाइड में, तो लैम्ब्डा टू अपॉन लैम्ब्डा वन इंटू एस वन। अब केवल केवल मान रखने में लैम्ब्डा टू कितना है 4800, ये यहाँ पे रख दिया, लैम्ब्डा वन कितना 6000 यहाँ पे रख दिया, और दूरी कितनी एस वन 0.1 mm। अब बस काट पीट के आंसर निकालना है, ये 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, 12 4 48 हो जाएंगे, 12 5 60 हो जाएंगे, तो 4/5 और 0.1 को लिख सकते हैं 1/10, तो ये हो जाएगा 0.08 mm। तो देखिए जब तरंग दैर्ध्य 6000 थी तब यहाँ पर क्या थी, दूरी 0.1 mm, जब तरंग दैर्ध्य 4800 हो गई है तब ये बीच की दूरी क्या हो गई है, कम हो गई है, क्योंकि जो विभेदन सीमा होती है वो तरंग दैर्ध्य के क्या होती है, समानुपाती होती है। ऐसा थ्योरी में हम पढ़ चुके हैं, नहीं पढ़ चुके तो वो हमने मैंने बता दिया है। तो ये आज के 3 न्यूमेरिकल थे जो कि विभेदन सीमा पर आधारित थे। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं, इसी के साथ धन्यवाद।